आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही तहसील के झिरिया गांव में रोड के किनारे बंगाली डॉक्टर का एक क्लिनिक है, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक महिला को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला को एक्सपायरी डेट की दवा, इंजेक्शन और एक साथ 3 ट्रिप देने से उसकी तबीयत में सुधार होने की जगह महिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। झिरिया स्थित पीड़िता महिला कस्तूरिया बाई केवट ने आरोप लगाया। आइए जानते हैं पीड़ित महिला ने झोले छाप डॉक्टर पर क्या आरोप लगाया है इस रिपोर्ट के जरिए। बंगाली डॉक्टर द्वारा जो दवा दी गई है उनमें से एक टेबलेट सबूत के तौर पर उभर कर सामने आई है, जिस दवा का नाम फ्लैगिल 400 जुलाई 2021 में एक्सपायर हो चुकी है, जो बंगाली डॉक्टर के द्वारा दी गई है, जो साफ सुथरी एक्सपायरी डेट देखने को इसमें मिल रही है। आखिरकार किस वजह से यहां चलाई जा रही है क्लिनिक और कौन स्ट्रिप और इंजेक्शन लगाने का इन्हें परमिशन दिया है? डिग्रियां ना होने के साथ ही सामान्य बीमारियों में भी हाई डोज दवाइयां और इंजेक्शन लगाने की शिकायत कई बार सामने आ चुकी है। सूत्र द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कई जगह बंगाली डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक में ही लोगों को बैठाकर धूम्रपान कराते हैं, साथ ही ड्रिंक कर नशे की हालत में दवा भी करते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन नीम हकीमों पर कार्यवाही कब करेगा या फिर इसी तरह चलता रहेगा। इस वक्त बड़ी स्वास्थ्य समुदाय टीम के अंदर एरिया गांव से एक नया मामला निकल कर सामने आया है, जो झोला छाप डॉक्टर के द्वारा दवा की जा रही थी, जिसमें से देखा गया कि उसमें एक्सपायरी की दवाएँ मरीजों को दिए जा रहा है, जिसमें से मरीज जो ज़्यादा उनकी हालत गंभीर हो जाने के कारण हफ्ते तक हॉस्पिटल में पड़ा रह गया, और उसके बाद दूसरी जगह पर ट्रीटमेंट कराने के बाद में कटनी से राजेश केवट की खास रिपोर्ट।